हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असर एजुकेशन। आज हम कर रहे हैं चैप्टर व्हाट हैपेंड टू द रेप्टाइल्स, अ पैक्ट विद द सन बुक, ग्रेड 6, सीबीएसई बोर्ड से। ये जो हमारी स्टोरी है, ये एक पंबूपट्टी गांव की है, जहां पर बहुत ही अलग अलग तरीके के लोग रहते थे। ये एक शांत गांव था। अब ये जो हमारा नैरेटर है स्टोरी का, प्रेम, ये बताएगा कि उस गांव में जाने के बाद क्या हुआ और वहां पर कौन सी जो स्टोरी थी वो फेमस थी। आप जो है इस स्टोरी को पढ़कर हो सकता है स्टोरी पर विश्वास ना करें, पर मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ वो बिल्कुल सच है, क्योंकि मैं खुद पंबूपट्टी गया, एक ऐसा गांव जो इस जंगल के बिल्कुल छोर पे था। वो एक छोटी सी पहाड़ी पे था और खूब सारा जो जंगल है वो जो है उसके आसपास फैला हुआ था। बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे मानो काई का जो एक किसी ने कालीन बिछा दिया हो। अलग अलग तरीके के लोग जो हैं इस गांव में रहते थे, काले थे, गोरे थे, लंबे थे, छोटे थे, बहुत सारी भाषाएं बोलते थे। कुछ उसमें मीट खाने वाले थे, कुछ नहीं खाते थे, कुछ जो है छोटे छोटे मंदिरों में जाके पूजा करते थे जो जंगल के छोर पे थी, या कुछ जो है मस्जिद में जाते थे जो कुछ मील की दूरी पे थी। अब जो इसका स्टोरी के नैरेटर है वो बताते हैं कि मेरा नाम जो है प्रेम है और मैं जो हूँ लगभग यहाँ से कई सैकड़ों मील दूर जो है रहता हूँ, यानी पंबूपट्टी से काफी दूर रहता हूँ। मैंने इस गांव के बारे में सुना तो था पर यहाँ कभी आया नहीं। पर पिछले साल क्या हुआ, कुछ ऐसी घटना घटी जो वाकई में दिल दहलाने वाली थी। जो मेरे अपने गाँव के लोग थे उनको पता नहीं क्या हुआ कि सब के सब एक तरह से पागल हो गए। कहीं कहीं दूर पर, जैसा जैसे कभी उस जगह पे गए भी नहीं होंगे, वहां पर कोई मंदिर या मस्जिद जो है उसे जला दिया गया था। और ये यहाँ मेरे गांव के जो लोग हैं वो पागल हो गए। मतलब किसी बहुत दूर जगह पर अगर मंदिर या मस्जिद जला दिया गया, उस जगह पर जहां पर मेरे गांव वाले कभी गए भी नहीं, लेकिन बस क्योंकि मंदिर और मस्जिद जला दिया गया, उस बात को सोचकर मेरे जो गाँव वाले थे वो पागल हो गए। उन्होंने क्या किया, आपस में लड़ना शुरू कर दिया। कुछ जो है रातों रात जो है भाग गए, कुछ सुबह सुबह जो है 3 बजे भाग गए। मैं जो हूँ अपने घर में लेटा हुआ था, आधा सोया सा था, आधा जगा हुआ था, क्योंकि कानों में जो है बहुत सारी इस तरह से हिंसा की, नफरत की आवाजें गूंज रही थी। तभी जो है वहां अचानक आग लग गई, बहुत सारे जो घर है वो जला दिए गए और उनमें से एक घर मेरा भी था। जैसे तैसे मैं कुछ कपड़े उठा के, कुछ पैसे उठा के, एक मेरी छोटी सी गणेश जी की मूर्ति थी उसको लेकर मैं भी भागा। अब मैं दिन रात भाग रहा था, जहां मेरे पैर थक जाते थे वहां मैं बैठ जाता था, लेकिन मैं भागता जा रहा था। फिर मैं एक ट्रेन पे चढ़ता, फिर बस में चढ़ता बिना टिकट के, उसका भी कोई बात नहीं, क्योंकि हर कोई ऐसा लग रहा था जैसे मानो दौड़ रहा हो। फाइनली जो है मैं एक ऐसी जगह पे आ गया जो पंबूपट्टी थी, और मैंने देखा कि यहाँ पर जो गांव वाले हैं वो एक कुएं के पास इकट्ठा हैं। मैं उनके पास पहुंचा और मैं इससे पहले कुछ कहता मैं बेहोश हो गया। जब मेरी आंखें खुली तो मैंने अपने सामने एक बूढ़े आदमी को पाया जिसके बाल बिल्कुल सफेद थे, दाढ़ी बिल्कुल सफेद थी और आंखों में जो है जो काली काली आंखें थी, बहुत चमक थी उनमें, वो मेरी तरफ झुके हुए थे। कुछ अगले दिनों की बात है, उन्होंने मेरी बहुत अच्छे से देखभाल की, मेरे को अपने हाथों से खाना खिलाया, मिठाइयाँ खिलाई, यहाँ तक कि झरने से ठंडा पानी भी ला के दिया। वो मेरे पैरों को बहुत अच्छे से मलते थे ताकि मेरे जो पैरों का दर्द है वो भी चला गया। जो पड़ोसी थे, अजनबी थे, हर कोई मुझसे जो है मिलने आता था। एक दिन मैंने उनसे पूछा, ये बताइए दादाजी, मैंने ऐसे लोग कभी नहीं देखे जैसे लोग यहाँ रहते हैं। मेरे गांव में तो लोग एक दूसरे को मारते हैं और जो लोग दूसरे भगवान की पूजा करते हैं उनको आपस में मार देते हैं, यहाँ तो बहुत ही अजीब सा लग रहा है। तो ओल्ड मैन जो यानी जो बूढ़े आदमी थे, उन्होंने कहा कि प्रेम, मैं तुम्हें स्टोरी सुनाता हूँ पंबूपट्टी की, ये स्टोरी तुम जाकर अपने गाँव में सुनाना, हो सकता है तुम्हारे जो जख्म है वो इससे सुनकर भर जाए और कुछ जो तुम्हारे घाव है वो सूख जाए। तो मैंने बड़े उससे कहा कि नहीं नहीं ग्रैंडफादर, ऐसी बात मत कहो, मेरे मैंने देखा है कि किस तरह से मेरे गांव वालों ने जो है वो जो है जिस तरह से लड़ाई करी है, जिस तरह से नफरत करी है एक दूसरे से, उससे मुझे अपने गांव का नाम लेने में शर्म आती है, मैं वहां कभी नहीं जाना चाहता। पर फिर उन्होंने कहा, नहीं यही तो मैं कह रहा हूँ, तुम्हें क्यों वापस जाना चाहिए।
मैं चुप रहा। मैं उनके साथ बहस नहीं करना चाहता था, पर मैं हाँ उनकी स्टोरी जो थी उसे जरूर सुनना चाहता था। अब वो जो बूढ़े आदमी थे उन्होंने स्टोरी सुनाना शुरू किया। ये बहुत समय पहले की बात है, बहुत बहुत समय पहले की। ना तब स्कूल्स होते थे, ना टीचर्स होते थे। जो बच्चे हैं वो अपने माँ बाप के साथ गुफाओं में रहते थे, और साथ ही साथ उनको जो फल हैं या जो बेरीज होती हैं, बेर, वो जो हैं जंगल से कलेक्ट करने में मदद करते थे। उस समय ना तो कोई टाइगर होता था, ना पैंथर होता था, यानी ये जो तुम्हारे बाघ होते हैं, तेंदुए होते हैं, ये सब कोई नहीं होते थे। ना ही जो है हाथी होते थे पंबू पट्टी जंगल में, खाली और खाली रेप्टाइल्स थे, और बहुत अलग अलग तरीके के रेप्टाइल्स होते थे। अब तुम्हें पता है रेप्टाइल्स क्या होते हैं, रेप्टाइल्स में कौन कौन से जानवर आते हैं, जैसे सांप हो गए, मगरमच्छ हो गए, कछुए हो गए और छिपकली हो गई। जो रेप्टाइल होता है उसकी बॉडी पे स्केल्स होते हैं और वो जो है अंडे देते हैं। हर महीने क्या होता था, ये जो पंबू पट्टी के रेप्टाइल्स हैं इनकी एक बहुत बड़ी सभा होती थी, हर कोई उसमें आता था। जो स्नेक्स हैं वो आते थे, जो धीमी गति से चलने वाले, धीमे विचार रखने वाले टॉर्टोइज आते थे, बहुत तेज और बड़ी फुर्तीली चालाक छिपकलियां आती थी, और जो क्रोकोडाइल होते थे वो बड़े मूडी होते थे, बड़े ही तुनक मिजाज होते थे जब वो पानी से बाहर होते थे। अब इन जो मीटिंग्स होती थी, सभा होती थी, इनका जो हेड होता था प्रेसिडेंट वो मकर होता था। मकर यानी जो मगरमच्छ होता है, जो उस जंगल का उस वक्त सबसे बड़ा मगरमच्छ था। सारे एनिमल्स जो थे, जानवर थे, वो ये सोचते थे कि वो बहुत जरूरी है। जो जब भी कोई स्ट्रांग होता है, पावरफुल होता है, तो तुम्हें पता है कि तुम उसके कहे के अनुसार ही चलोगे, उसके खिलाफ नहीं जा सकते। अब एक दिन अचानक से बहुत अजीब सी चीज घटी। जो मंथली मीटिंग्स होती थी उसके लगभग एक हफ्ते पहले की बात है, मकर ने जो है एक लेटर कछुओं को भेजा और उनसे बोला कि तुम अब मीटिंग में मत आना। अहिस्ते जो सबसे बड़ा पुराना टॉर्टोइस था उनका, जिसके ऊपर ब्लैक और येलो कलर की पिक्चर्स थी, वो जो है बड़े गुस्से में आ गया। उसने बोला, ये क्या बात हुई, ऐसे कैसे कि वो हमें मना कर रहे मीटिंग में मत आओ। पर किसी भी जो कछुए थे उनकी हिम्मत नहीं थी कि वो मीटिंग को अटेंड कर सके, क्योंकि वो बहुत कम थे तादाद में, बाकी लोग तादाद में बहुत ज्यादा थे। अब मीटिंग शुरू होने से पहले ये जो बड़ा सा मकर था, इसने अपने दांत चमकाए, जो लाल फूल होते हैं पेड़ के नदी के किनारे, उनसे चमकाए जब तक वो बिल्कुल अच्छे से चमकने नहीं लग गए। सब कोई उसका वेट कर रहा था मीटिंग की जगह पे। अब उसने बोलना शुरू किया, भाइयों और बहनों, यहाँ तक कि सारे रेप्टाइल्स, यहाँ तक कि जो अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर कोबरा होते हैं, वो भी जो है बात करना बंद कर देते थे। अब मकर ने बोलना शुरू किया कि मैंने सोचा है कि हमें अब ये जो कछुए हैं इनकी जरूरत नहीं है, इसीलिए मैंने उनको बोल दिया कि अब तुम्हें यहाँ पे आज मीटिंग में आने की जरूरत नहीं है। भाइयों और बहनों, क्या तुम बता सकते हो कि हमें ये जो कछुए इनकी जरूरत क्यों नहीं है? अब जो रेप्टाइल्स थे बाकी वो इधर उधर देखने लग गए, उन्हें बड़ा अजीब सा महसूस हो रहा था। जो सांप थे वो फुंकार भर रहे थे, जो छिपकलियां थी वो अपनी जो पूंछ है उसे हिला डुला रही थी, जो बाकी मगरमच्छ थे वो अपना जबड़ा खोलकर और ज्यादा जबड़ा खोल दिया। अब उसमें से एक छोटी सी जो है छिपकली बोली, पर। तो मकर जोर से बोला, कोई परवर नहीं, और सब चुप हो गए। फिर एक छोटा सा बेबी क्रोकोडाइल बोला, मैं सोचता हूँ। नहीं, कोई मैं सोचता नहीं हूँ, ऐसा मकर ने जोर से फिर से बोला, और इतनी जोर से बोला कि जो पेड़ के ऊपर फल लगे थे वो सारे के सारे एकदम से झड़ के नीचे गिर गए। अब तो किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि कोई भी अपना मुंह खोल सके। अब मकर ने जो है अपना गला साफ किया और कुछ और जो है दाग दिखाए। उसने कहा कि मैं तुम्हें बताता हूं कि अब हमें टॉर्टोइस की जरूरत क्यों नहीं है। एक तो वो बहुत धीमे चलते हैं, बहुत ही बेवकूफ है, पूरा अपना घर जो है अपनी पीठ पर उठा के चलते हैं। कभी ऐसी बेवकूफी की चीजें सुनी है? अब तुम छिपकलियां, तुम बताओ, तुम पेड़ पे रहती हो, क्या तुम पेड़ जो है अपनी पीठ पे उठा के चल दोगी? बोलो। तो उसमें से कुछ जो छोटी छोटी डरी हुई आवाजें थी वो निकली और वो बोली, नहीं नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है, पर कोई परवर नहीं। अब सुनो, मैंने कछुओं को बोल दिया है कि उन्हें जो है पंबू पट्टी छोड़ के जाना होगा, और जब वो जाएंगे तब हमारे पास जो भी चीजें हैं वो हमें और ज्यादा मिल पाएंगी, ज्यादा खाना मिल पाएगा, ज्यादा पानी मिल पाएगा, ज्यादा जगह मिल पाएगी,
और मैं चाहता हूँ वो कल ही छोड़ के चले जाएं। पर वो इतने धीमे चलने वाले हैं कि उनको मुझे इस वजह से एक हफ्ता देना पड़ा। अगले हफ्ते ट्यूसडे तक हमारे जंगल में एक भी कोई टॉर्टोइस बचेगा नहीं। अब जब आगे आने वाला ट्यूसडे आया, सारे के सारे कछुए जा चुके थे। अब शुरू में तो जो जानवर थे वो दुखी हुए, पर फिर उन्हें लगा कि शायद मकर जो कह रहे थे वो सच ही था। अभी हमारे पास ज्यादा खाना है, ज्यादा पानी है, ज्यादा स्पेस भी मिल रही है। पर तभी क्या हुआ, एक अजीब सी बदबू सी जो है वो जंगल में फैलने लग गई। ये जो बदबू थी ये सड़ान की थी, यानी कि जो जमीन पे फल फूल गिर जाते हैं जब वो सड़ जाते हैं, या जो जानवर नदी में मर जाते हैं उनकी जो सड़न होती है वो फैल रही थी। अब ये जो टॉर्टोइस होते हैं, कछुए होते हैं, वो यही सब चीज खाते हैं। यहाँ तक कि जो मकर था उसे भी अपनी नाक बंद करके जो है बड़े बड़े पंजों से और रहना पड़ रहा था। एक महीना बीत गया, अब फिर दोबारा वही चीज शुरू हो गई। अब इस समय बारी किसकी थी? सांपों की। मकर ने क्या किया, सांप को लेटर लिखा कि अब उन्हें जंगल छोड़ के जाना पड़ेगा और जितनी तेजी से वो जा सकते हैं वो एक दिन में ही पूरा जंगल छोड़ के चले जाए। अब नाग जो कि सांपों का हेड था, उसने जो है एक बार रिक्वेस्ट करी, पर मकर ने जो है उनकी बात ही नहीं सुनी। मीटिंग के बाद फिर सब चुप हो गए, यानी लिजर्ड्स और क्रोकोडाइल्स अब वो बिल्कुल शांत थे। अब और ज्यादा जो है चीख चिल्लाहट हो रही थी कि स्नेक्स जो हैं वो बड़े गिलगिले से होते हैं और वो जो है बड़ी अजीब अजीब सी आवाजें निकालते हैं, ऐसे क्रिएचर्स को अजीब अजीब से हम आसपास में क्यों चाहें। अब किसी की हिम्मत नहीं थी कि वो मकर की बात को मना कर सके, तो इस वजह से क्या हुआ, सांप भी छोड़कर चले गए। थोड़ी देर बाद क्या हुआ, या कह सकते हैं कुछ दिनों बाद, अब जो जंगल के जानवर थे वो फिर खुश हो गए, क्योंकि अब जितना उनको थोड़ा सा बहुत डर भी था सांपों का वो भी खत्म हो गया था। क्योंकि सबको ये लगता था कि पता नहीं कब किसका टेंपर लूज हो जाए और कब तुम्हारे पे वो जहर उगल दे, और तुम्हारे लिए तो जरा सा पॉइजन चाहिए और तुम खत्म। तो जानवर बड़े खुश हो गए। फिर कुछ हफ्ते गुजरे, अब जो एनिमल्स थे फॉरेस्ट के वो जो है थके थके और बड़े पके हुए लग रहे थे, यानी कि चूहे, कोई जो है सांप नहीं थे जो चूहों को खा सके। अब तो जैसे चूहों का राज हो गया था जंगल में, और उनको बड़ा मजा आ रहा था। हर तरफ चूहे ही चूहे थे, पेड़ पे देखो, घास पे देखो, झाड़ी में देखो, जमीन पे देखो। वो क्या करते थे, जो छिपकली और क्रोकोडाइल है उनके अंडे खा जाते थे। अब उस साल कोई बच्चे ही नहीं पैदा हुए उनके, मगर जो है अपने खुद के जो अंडों का नेस्ट होता है वो बनाते हैं, वो भी खा गए। मकर को फिर एक सुझाव आया, उसने मीटिंग बुलाई क्रोकोडाइल्स की, और उन्होंने बोला कि कितना अच्छा हो कि अब जो है पूरे जंगल में सिर्फ क्रोकोडाइल्स का राज हो, बाकी और कोई नहीं हो, खाली हम हो और कोई नहीं। अब इन छिपकलियों को ही देखो, उनकी अजीब सी आदतें होती हैं, कुछ में से तो वो कलर ही बदल लेती हैं। हम इनका कैसे भरोसा कर सकते हैं, जब एक पल में हरी हैं, दूसरे पल में लाल हैं। इनको भी हटा दिया जाए, क्यों ना इनसे भी छुट्टी पाई जाए। अब तक तो क्रोकोडाइल्स जो बाकी थे वो सबके सब जो है मकर से बहुत डर रहे थे, तो उन्होंने क्लैप किया और चीयर किया कि हाँ तुम भैया छिपकलियों को भी हटा दो। मकर बहुत खुश हो गया। लिजर्ड्स भी फॉरेस्ट छोड़ के चली गई, कुछ जो लिजर्ड्स थी उन्होंने अपने बच्चों को अपनी पीठ पे लादा और चल दी वहां से। पर अब क्या हुआ, अब जहां एक तरफ जिंदगी जो क्रोकोडाइल्स के पंबू पट्टी के क्रोकोडाइल्स थे इनके लिए अच्छी होने वाली थी, वहीं अजीब अजीब सी चीजें होने लग गई। अब जैसे चूहे वो दिन पर दिन और ताकतवर होते जा रहे थे, वो उनका डर इतना खत्म हो गया था किसी भी चीज का कि वो कभी भी कूद पड़ते थे, कभी वो जो है क्रोकोडाइल की पीठ के पीछे उछलने लगते थे। बहुत सारे मेंढक हो गए थे, वो दिन पर दिन और बड़े होते जा रहे थे, और उनको खाने के लिए कोई भी नहीं था, सिर्फ क्रोकोडाइल्स थे। अब ये बड़े बड़े फ्रॉग्स जो हैं वो क्या करते हैं, बेबी क्रोकोडाइल्स को खा जाते थे। और जो इंसेक्ट्स थे उनका क्या, जैसे लिजर्ड्स होती थी वो चेन को इंसेक्ट्स को खा लेती थी, पर इतने लाखों की तादाद में इंसेक्ट्स हो गए बड़े बड़े, और दिन पर दिन उनको परेशानी होने लग गई। अब तो मगरमच्छों की हालत बिगड़ गई, उन्हें यही समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से ऐसा क्या हो गया कि इनका जो खुशनुमा माहौल था, जंगल इनका जो इतना अच्छा था, ये खराब कैसे हो गया। तभी उनमें से जो है ना एक दिन मीटिंग में एक किसी ने बड़ी धीरे से अपनी आवाज उठाते हुए क्या कि हमें पता है कि ये जो हमारा जंगल है ये इस तरह से क्रेजी क्यों हो रहा है, हम जानते नहीं है क्या। तभी सब एकदम से चुप हो गए,
उन्होंने मकर की तरफ बड़े डरावने उससे देखा या डरे डरे से देखा, लेकिन उनकी सरप्राइज के लिए कहा जाए वो भी खुद नर्वस लग रहा था। उसने जो है अपनी पूंछ से जो चूहा था उसे हटाते हुए छोटे से क्रोकोडाइल से पूछा, क्यों भाई लिटिल फेलो, ये बताओ ये सब शुरुआत जो है कैसे हुई? तो उसने बोला, ये सब शुरुआत हुई थी टॉट। तो जितना बस आधा ही बोल पाया था तो बाहर ने कहा, हाँ 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 ठीक है, और ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। अब मकर ये बात को एडमिट नहीं करना चाह रहा था कि वो गलत है, लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है। सारे क्रोकोडाइल्स जानते थे कि अब वो ना तो उतना स्ट्रॉन्ग है ना उतना पावरफुल है, या वो हर टाइम की तरह सही है। उन्होंने क्या किया, अर्जेंट मैसेजेस जो हैं सब जगह भेज दिए, टॉर्टोइज के लिए, स्नेक्स के लिए, लिजर्ड्स के लिए, कि जल्दी से पंबू पट्टी वापस आ जाओ। और वो क्या दिन था जब सारे के सारे क्रीचर्स वापस आ गए, फैमिली आफ्टर फैमिली सब वापस चले आए, उनके बच्चे भी उनके साथ थे, उनकी पीठ पर जो स्ट्रगल करके वापस आ रहे थे, खूब शाउट कर रहे थे कि उनका रे रुको 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 हम भी आ रहे हैं, ऐसे करके वो आ गए। 2 महीने के अंदर जंगल दोबारा नॉर्मल हो गया, चूहे गायब हो गए, इंसेक्ट्स स्मेल सब कुछ गायब हो गया, और जो उनकी जंगल की दुनिया थी वो बिल्कुल वैसे ही पुरानी जैसी हो गई। तो अब बूढ़े आदमी ने जो है प्रेम से कहा, अरे तुम्हें क्या नींद लग गई, क्या मेरी जो ये कहानी थी उसे तुम सपनों की दुनिया में खो गए? तो मैंने अपना सिर झुका लिया, मैंने कहा, नहीं दादाजी, मैं सिर्फ सोच रहा था कि शायद मैं जो हूँ अपने गांव वापस जाऊं, क्योंकि मेरे पास अभी कहानी है उनको बताने के लिए, पर अगर उन्होंने मेरी कहानी को नहीं सुना तो? तो दादाजी ने कहा कि हम सिर्फ स्टोरी सुना सकते हैं, ये सारी स्टोरीज बार बार उनको सुनाओ, ज्यादा से ज्यादा लोगों को सुनाओ, हो सकता है कुछ तुम पे हंसे, कुछ तुम्हारी स्टोरीज को कहें कि ये बात सच नहीं है, पर एक बात याद रखना कि एक दिन सब लोग जो हैं इस बात को समझ जाएंगे कि हर एक की जो है ये जो हमारा दुनिया है, हमारी जो ये एक धरती है, इस पे हर एक के लिए एक ना एक जगह जरूर बनी है। तो ये हमारा चैप्टर आपको अच्छा लगा, समझ में आया? सब्सक्राइब करो हमारा चैनल आशा एजुकेशन। बाय।